नंबर गया, दो नंबर गया। हेलो, चाल चाल है, होपफुली सब बड़ी होगा। अब देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, कल यहाँ पे वीडियो नहीं आ पाई थी एंड इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। कल मेरे आईफोन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और भाई मैं दोपहर के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही बैठा रह गया। फिर ना तो यार यहाँ पे कोई एडिटिंग का टाइम बचा था और ना ही कोई अपलोड करने का टाइम बचा था, तो मैं सोचा कि यार चलो आज के दिन के लिए यहाँ पे वीडियो को जो है वो रेस्ट दे देते हैं। एक दिन वीडियो नहीं आई कोई दिक्कत की बात नहीं, आज से यहाँ पे प्रॉपर जो है वो गेम प्ले जाना चालू हो जाएंगे। एंड कसम से यार, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, डेली आपको हाइकल्स गेम प्ले देखने को मिलेगा कॉन्करर लीग पे, एक से बढ़ के एक कंटेंट देखने को मिलेगा। पहले से यार मैं बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करने वाला हूँ, सो बस अपना सपोर्ट बनाए रखना एंड आपको डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली मैं नहीं करूँगा। और यार ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे मैं हाई किल्स कंटेंट निकालने के लिए अपनी जो कॉन्कर पे रैंकिंग है उसको सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे मैं अपनी जो रैंकिंग है उसको भी मेंटेन कर रहा हूँ एंड साथ में हाई किल्स गेम प्ले भी ला रहा हूँ। सो इसी बात पे यार वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है एंड अगर एंड तक देखने के बाद गेम प्ले पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कर देना। बाकी जब देखो ये वाले मैच में भी कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पे मिलिट्री बेस में उतरे थे, हालांकि मेरे को छोड़ के मेरे सारे टीममेट जो थे वो मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अकेले बैठे बैठे मिलिट्री जो था वो इधर क्लियर कर दिया था और अब 11 किल्स हो चुके थे, तो मेरे को थोड़ी सी ऐसा अंदर से फील हुआ कि नहीं चलो ये वाले मैच में अपने 30 किल वाला चैलेंज जो है वो शायद से कम्प्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर जरा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना मैं वहाँ से भाई गाड़ी लेके निकल जाता हूँ एंड सीधा लिपोका की साइड आ जाता हूँ। देख रहे हो भाई, मिलिट्री से लिपोका तक मेरे को एक 20 स्क्वाड नहीं मिली थी, लेकिन अभी के लिए यार यहाँ पे एक बंदा दिखा था, इसको भरा। और अब इतनी बड़ी सिटी में बैठा हुआ तो यार डेफिनेटली अकेला तो होगा नहीं, इसके टीममेट को भी ढूंढते, इसका दूसरा टीममेट भी मिल जाता है, थोड़ी देर बाद इसका तीसरा टीममेट भी यहाँ पे मिल जाता है। और तीसरे बंदे को भी मारने में यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं थी, हालांकि यार इनका चौथा बंदा जो था वो अनलकीली यहाँ पे मिलता है नहीं, शायद से भाई यहाँ पे कहीं छुप के बैठ गया होगा या फिर यहाँ पे उतरा ही नहीं होगा, लेकिन जो भी यार अभी के लिए वो बंदा तो यहाँ पे था नहीं, तो यहाँ से गाड़ी लेके आगे साइड निकल जाते हैं एंड अब यहाँ पे जो कांड होगा ना भाई देखते जाओ बस।
तुमसे यार सारी चीजें साइड में छोड़ दो, अगर ये वाला 1v4 क्लच पसंद आया हो ना तो यार इसके बाद तो यार मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी तो इधर मेरे टोटल 18 किल्स हो चुके थे, 26 बंदे आ लाए थे, तो भाई मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे को लगे नहीं चलो ये वाले मैच में 110% भाई अपना चैलेंज जो है वो 30 किल वाला कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यार ये जो खुशी है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि जिस बंदों को यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1v4 किया था वो वापस से इधर आ जाते हैं। और अब देखो यहाँ पे सीन ऐसा होता है ना कि लोग के बीचों बीच यहाँ पे मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और मैं नॉक फिनिश हो जाता हूँ। इतना ख़राब लगा था ना भाई, 20 किल्स हो चुके थे ये वाले मैच में, ये बंदों को भी मैं मार ही देता, वापस से दूसरी बार 1v4 कर देता अगर यहाँ पे गाड़ी में फ्यूल ख़त्म नहीं होता। लेकिन अब किस्मत ही ख़राब थी तो क्या कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक यहाँ पे अपना जो ये चैलेंज है वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक अपन हार नहीं मानने वाले। बढ़ते सीधा आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ। देखो मिलिट्री बेस में उतरे थे, और उतरने के साथ यार यहाँ पे मेरे को भाई 1000 जैकेट मिल जाते। और अगर भाई आप मेरी तरह सीजन 1 सीजन 2 से प्लेयर हो तो यार आपको ये कपड़े की वैल्यू पता होगी। फॉर अ सेल्फ सेट एंड ये सारी चीज़ें तो यार आजकल आई है ये ट्रेंडिंग में। बाकी यार वो जो सीजन 3-4 के दिन थे भाई, तब भाई अगर ये वाला कपड़ा मिल जाता था ना भाई, कोई एक सूट से कम नहीं था ये कपड़ा उस टाइम पे। और ये कपड़ा किस बंदे का सिग्नेचर आउटफिट है वो तो यार यहाँ पे मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सब मैं सोचा कि यार बहुत टाइम हो चुका, चलो यार यहाँ पे 1000 जैकेट जो है वो पहना नहीं है, अब मिल ही गया है तो यार यहाँ पे ये वाला मैच जो है वो इसी के साथ खेल लेते हैं। एंड सिर्फ गैस करो कि यार ये वाले मैच में अपन कितने कितने किल्स चिकन निकाल पाएंगे ये 1000 जैकेट के साथ। और अब गेम प्ले में भर भर के किल्स तो होने ही वाले, लेकिन यार ये वाले मैच की जो एंडिंग है ना वो मिस मत करना, क्योंकि एंडिंग में यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोग को। बस चल आगे आराम से मारना, पैनिक कर रहे हो, तेल पर बना देगा। लेकिन अब एंडिंग के बाद एंडिंग में कर लेंगे, स्टार्टिंग शुरुआत की बात कर लेना। तो देखो मिलिट्री बेस में यहाँ पे अच्छे खासे बंदे आ चुके थे, 10 बंदे अपन ने मार दिए थे। और अब हम यहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि जो मिलिट्री बेस है वो सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है। जी। लेकिन अचानक से यार पता नहीं ये वाली स्क्वाड जो है ना वो कहाँ से आ गए। और कसम से बता रहा हूँ यार आजकल सीन ऐसा हो रहा है ना कि यार यहाँ पे एनिमी की गाड़ी आई हो या फिर टीममेट की गाड़ी आई हो यहाँ पे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि शायद से पहले जो है ना वो थोड़ा सा साउंड डिफरेंस था, लेकिन शायद से अब वो साउंड डिफरेंस जो है ना वो रहा नहीं है। और अब मिलिट्री से निकलने के बाद यहाँ पे भाई जो रिकॉल था वो भी बचा हुआ था, तो यार यहाँ पे ऐसा था कि यार जहाँ भी बंदे दिखेंगे सीधा घुस के या तो मरेंगे या तो मारेंगे। मेरे को फिनिश कर, इसको मत कर, ऊपर कंपाउंड पे भी है, जल्दी जाओ तुम लोग, जल्दी जाना होगा, नहीं होएगा फिनिश। लेकिन लक थोड़ा सा सही था अपना। की टाइम रहते यहाँ पे अपने को रिवाइव मिल जाते हैं, ये वाली टीम को यहाँ पे अपन वाइप आउट भी कर देते हैं। और अब लास्ट के यहाँ पे
9 और बंदे बचे थे एंड बचे हुए सारे के सारे बंदे जो थे ना वो मिलिट्री बेस पे थे। और अभी यहाँ पे लास्ट जोन में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि यार यहाँ पे बंदे जो है ना वो कम बचे रहते हैं एंड यहाँ पे जल्दी से मिलते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे लकीली अपने को एक स्क्वाड मिल जाती है पूरी की पूरी। दो बंदों को तो भर दिया था लेकिन अभी भी यहाँ पे दो और बंदे बचे थे। और यूली टीम को 1v3 करने के साथ ही अब यहाँ पर लास्ट के पांच और बंदे बचे थे और अब जोन जो था वो मिलिट्री का था, तो हम लोगों को पता था कि अब जितने भी बचे हुए बंदे ना वो सारे सारे यहाँ पे सी बिल्डिंग की तरफ ही होंगे, तो सीधा सी बिल्डिंग की तरफ आ जाते बेचारे। यहाँ पे एबीएस ने एक ग्रेनेड पुल किया है, क्या यहाँ पर एक कैजुअल्टी निकाल पाएंगे ओपोजिशन वाले टीम ने। जी हाँ, यहाँ पर एबीएस पुशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इनको यहाँ पे एनिमी के एग्जैक्ट पोजी पता है। बहुत ही बेहतरीन डैमेज नेट को फेंका गया है यहाँ पर, 90% पाया यहाँ पर एबीएस बूस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले अपनी भरोसा रिफ्लेक्स में यहाँ पे ऊपर 20 स्कोपिंग किया जा रहा है और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी टीम मिल जाएगी एंड इजीली वाइप आउट कर देंगे, लेकिन ये तो एक डुओ ही था एंड बचे हुए जो बचा हुआ जो डुओ था ना वो सामने वाले रिच पे था। तो यहाँ पे मैं पीछे बैठे बैठे यार टीममेट्स को कवर दे रहा था, लग रहा था कि यार शायद एक आध किल मिल जाए, लेकिन बचे बंदों में से एक भी बंदे का यहाँ पे अपने को किल नहीं मिलता। लेकिन कोई बात नहीं यार, बस ये था स्किल गेम प्ले। अगर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे इस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब तो मार ही देना एंड अपने दोस्तों से शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।